हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शुभ दीपावली मेरी तरफ से। ये दिवाली आपके घर में खुशियाँ लाए, खुशी लाए, रोशनी लाए, शांति लाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन बिजनेस ऑप्शन जो आप दीपावली में कर सकते हैं। हो सकता है आप ये बिजनेस इस दीपावली में ना करें, पर ये बात ध्यान में रखिए और अगले साल इसके बारे में प्लान कीजिए। वीडियो को काफ़ी छोटा रखूँगा क्योंकि दिवाली का मौसम है, सभी को त्योहारों की तैयारी करनी है। सबसे पहला और सबसे बेस्ट बिजनेस ऑप्शन है ग्रीन क्रैकर्स या फिर ग्रीन फायरवर्क्स। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लोग पटाखों से दूर भाग रहे हैं क्योंकि पटाखों से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पर ये जो ग्रीन क्रैकर्स है ये 30% कम पोल्यूशन करते हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स से लेके लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। ग्रीन क्रैकर्स के लिए लोगों की थिंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ये पर्यावरण के ज़्यादा खिलाफ़ नहीं है। हाँ, इससे भी पोल्यूशन होता है पर काफ़ी कम होता है, तो इसका आप अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। ये साल या फिर अगले साल आप ग्रीन क्रैकर्स मार्केट से, होलसेल मार्केट से लेके आएँ और आपके घर में, आपके रिश्तेदारों को, आपके गली में आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। एक आधा स्टॉल चालू करके इसका आप व्यापार कर सकते हैं या फिर होम डिलीवरी कर सकते हैं। थोड़े से पैम्पलेट्स बांटिए आपके मोहल्ले में और उसकी होम डिलीवरी कीजिए क्योंकि पटाखों में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। दूसरा बिजनेस ऑप्शन है डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। दोस्तों, दिवाली जो है ये खुशियों का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है, ड्राई फ्रूट्स का त्यौहार है। तो दिवाली में आप क्या कर सकते हैं, बाजार में से जो बॉक्सेस बनाते हैं उनके पास से अट्रैक्टिव बॉक्सेस ले लें, जो आपको चाहिए उसका सैम्पल दिखा के वो बॉक्सेस में आप होलसेल मार्केट से लाके ड्राई फ्रूट्स ले लें, जैसे काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, जो भी आपको लगता है वो ड्राई फ्रूट्स ले लें, ठीक है, किलो के ऊपर। और ये जो डेकोरेटिव बॉक्सेस है उसमें उसको इक्वली सब में भर के उसका अट्रैक्टिव पैकेजिंग करें और ऐसे बॉक्सेस बना के आप आपके गली में बेच सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को बेच सकते हैं। कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के आसपास एक छतरी लगा के स्टॉल लगाइए क्योंकि वैसे भी ये सीजनल बिजनेस है, इसमें काफ़ी मार्जिन होता है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप होलसेल में लेंगे तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं और ऐसे आप बेचेंगे ये बॉक्सेस में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसमें। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप बस किसी मार्केट से एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स ले लो और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसका खाली वजन करो, आपको पता चलेगा 1 किलो अगर आप ड्राई फ्रूट्स लाएंगे तो उसमें कितने सारे बॉक्सेस बनेंगे। आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये किलो से अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेके आएंगे ना और उसको बेचेंगे तो उसके 2,000 के ऊपर आपके पैसे बनेंगे। तो बहुत ही मार्जिन का बिजनेस है, ये काम आप ज़रूर कीजिए और कम से कम इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा पैसे कमाइए क्योंकि दिवाली में लोगों की जेब भी गर्म होती है और लोगों के घर में खुशियों का वातावरण भी रहता है। तीसरा बिजनेस ऑप्शन है अट्रैक्टिव कैंडल्स। दोस्तों, दिवाली जो है ये दियो का त्यौहार है, सभी लोग दीपावली में दिए लगाते हैं, काफ़ी सारे दिए लगाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, होलसेल मार्केट से कैंडल्स लाएँ, उसका पैकिंग करें और गिफ्ट पैक बना के उसको बेचें आपके गली में, आपके मोहल्ले में। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग डिज़ाइनर कैंडल्स बनाते हैं उनके पास से डिज़ाइनर कैंडल्स लेके आएँ, थोड़ा यूनिक डिज़ाइनर कैंडल्स बना के ले, कस्टमाइज़ करें कैंडल्स को और ऐसे कैंडल्स पैकिंग करके आपके एरिया में बेचें, आपके रिश्तेदारों को, आपके गली में छोटी सी छतरी लगा के, एक स्टॉल लगा के, तो इस तरह से सीजनल व्यापार करें। सीजनल बिजनेस में बहुत अच्छा मार्जिन होता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर अगर घर में कोई महिलाएं चाहती हैं बिजनेस करना तो उनके लिए भी एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं दिवाली में। तो दोस्तों, बस यही मैसेज देना था आज के इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दीपावली के बाद कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तो फिर से आप सबको शुभ दीपावली एंड टेक केयर।